हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल पुलाव। वेजिटेबल पुलाव के लिए ये मैंने लिए है वेजिटेबल्स। ये है गाजर, टमाटर, हरी मिर्ची, कॉलीफ्लावर, फ्रेंच बीन्स, पुदीना, प्याज, और इसमें पड़ेगा अदरक लहसुन का पेस्ट, तेज पत्ता, काली मिरी, लवंग, बड़ी इलायची, अजवैन, ये है तेल, नमक और चावल है 4 कटोरी, ये 1 कटोरी के हिसाब से। और अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। देखिए, अब मैंने इसको सब रेडी कर दिया, इसको ग्रेट किया है ताकि सब लोग खा सके, बच्चे खाते हैं, सब खाते हैं। इसमें अगर डाले चावल में, अगर इसको चंक्स ऐसे क्यूब्स में कट करें ना, तो लोग उसमें से निकाल लेते हैं चावल में से। और फिर ये टमाटर, ये हरी मिर्ची, ये सब प्रिपेयर कट करके रख दिए। देखो, ये फ्रेंच बीन्स, ये प्याज, ये कॉलीफ्लावर, और चावल को जस्ट धो करके रख दिया है, भिगो के नहीं रखा है, धो के रखा है। देखो, अभी गैस पे हमने कुकर रख दिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। ओके, ऑयल के बाद हम इसमें डालेंगे ये सब। मैं जब भी जीरा बताना भूल गई थी, जीरा, फिर ये है तेज पत्ता, और ये जो है बड़ी इलायची को मैंने हल्का सा खोल दिया है, तब इसका स्मेल आएगा इसमें, अदरवाइज नहीं आएगा। और फिर इसमें सेम इलायची के साथ किए, देखो, अदरवाइज उसका स्मेल नहीं, उसका फ्लेवर उसमें नहीं आएगा। फिर ये काली मिरी और लवंग, और बाद में अजवैन इसमें डाला है, क्योंकि फूलगोभी डाला है हमने, फिर फूलगोभी से गैस वैस नहीं होना। और ये अभी हरी मिर्ची, देखो ये ऐसे हो रहा है, सब पक गया। अभी इसमें प्याज, प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने देना चाहिए। अच्छा, प्याज को गोल्डन ब्राउन होने के लिए इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना चाहिए, ताकि वो बहुत जल्दी पक जाता है। ओके, अब गैस तेज कर लूँगी इसमें। अब ये प्याज पकेगा थोड़ा सा। अब देखो, ये प्याज पक गया है। प्याज पकने के बाद हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी पकाएंगे। ओके, देखो, अदरक लहसुन पक गया है। अदरक लहसुन पकने के बाद अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। टमाटर ऐड किया, ये तो टमाटर उसी में पक जाएगा। ओके, इसको एक सीटी में पका नहीं है। फिर हम डालेंगे फ्रेंच बीन्स, अब इसमें डालेंगे कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के बाद डालेंगे कैरेट, गाजर। गाजर को बता दिया ना इसको किस किस के डालना चाहिए, तो सभी खाते हैं, फिर कोई ये नहीं कहता है कि हमको गाजर नहीं खाना है, ये निकाल दो, वो निकाल दो। बच्चे क्या, सभी खाते हैं, नहीं तो कोई बड़े भी नहीं खाते, अगर उसमें टुकड़े डाले तो उसको निकाल देते हैं वो लोग। अब इसमें हम 4 कटोरी चावल लिए, तो 4 ग्लास पानी छोड़ेंगे। ओके, अब इसमें हम चावल डाल देंगे।
देखो कितना कलरफुल लग रहा है, देख लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा और सॉल्ट डालेंगे। ये देखो, अब सॉल्ट डालने के बाद इसमें जस्ट टेस्ट कर लेना कि इसमें सॉल्ट है क्या प्रॉपर। सॉल्ट अच्छा रहा फिर बाद में कुकर लगाएंगे इसको। धनिया रह गया, धनिया फ्लेवर के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये पुदीना स्टमक के लिए बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ओके, देख लो अभी अब बस एक विसिल देना। देखो अब ये ऐसे बन गया एक सीटी में। अब आप इसको इसमें ऐसे सर्व कीजिए और इसके साथ दही, और एंजॉय करिए करिए अपना लंच। अब ये इतने अच्छे दानेदार हुए हैं। मैंने ये किया है, एक सीटी देने के बाद 2-3 मिनट जस्ट ऐसा रखा और बाद में इस विसिल को ऊपर करके उसका पूरा स्टीम निकाल दिया। नहीं तो अगर हम ज़्यादा देर इसमें रखें तो इसका राइस का पकने का प्रोसेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो ऐसे पूरे गल जाते हैं, ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं। ये कैसे खुला खुला बना हुआ है, दिख रहे हैं आप? तो आप ऐसे ही बनाइए, इसको फास्ट बन जाता है। ओके, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।